हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जीभ काटने की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जीभ काटने के लिए कोई किसी को भेजावे तो हम देख लेंगे उसको। अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के लिए हम हरामी की बात यूज़ किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको एक बार नहीं हम सैकड़ों बार कहेंगे। अब ब्राह्मण और पुजारी में फर्क है, लेकिन माफी मांगने के बाद भी जो ब्राह्मण समाज है उबल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में इन दिनों बवाल चल रहा है, बवाल हो रहा है जीतन राम मांझी के बयान को लेकर। जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कि हम के सुप्रीमो हैं, हम एनडीए के घटक दल का हिस्सा है, और उसके सुप्रीमो द्वारा आपत्तिजनक विवादित बयान एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार दिया जा रहा है। और ये बयान किसी पार्टी के नेता को नहीं लेकर कहा जा रहा है, ये बयान दिया जा रहा है किसी जाति को लेकर। और इससे, इस बयान से तमाम जनता के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँच रही है। ये बयान है ब्राह्मण समाज को लेकर। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही पटना में एक सभा के दौरान जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर, ब्राह्मण समाज को लेकर अपशब्द का प्रयोग किया था। पंडितों को लेकर उन्होंने एक अपशब्द कहा था, और उस अपशब्द कहने के बाद बिहार में बवाल हो गया था। लगातार कई जिलों में जीतन राम मांझी का पुतला जलाया जा रहा है। यहां तक कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी उनके इस बयान की तारीफ नहीं की, उनके इस बयान का विरोध जताया, और कहा है कि हर नेता को भाषा का इस्तेमाल चुन के करना चाहिए, सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, वो माननीय है, और इस तरह की भाषा का, इस तरह के शब्द का प्रयोग करना उनको शोभा नहीं देता है। और सफाई भी दी है जीतन राम मांझी ने। बढ़ते बवाल को लेकर एक बार नहीं बल्कि कई बार जीतन राम मांझी ने सफाई दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सा और आपको बताते हैं और कार्रवाई की बात करते हैं। जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर बीजेपी के नेता गजेंद्र झा ने एक आपत्तिजनक बयान दे दी, टिप्पणी कर दी जीतन राम मांझी पर, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने बयान दिया है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं, यहां तक कि मांझी के जुबान कटवाने की बात कर दी गजेंद्र झा ने, और ऐलान कर दिया कि जो भी ये काम करेगा उसे करीब 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद बीजेपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो बीजेपी के नेता हैं गजेंद्र झा, जिन्होंने ये आपत्तिजनक टिप्पणी की थी मांझी पर, उन पर कार्रवाई कर दी, उन्हें निष्कासित कर दिया और स्पष्टीकरण मांगा है, उनसे जवाब मांगा है कि आखिर आपने इस तरह की टिप्पणी क्यों नहीं की। लगातार मांझी का पुतला जलाया जा रहा है, ब्राह्मण समाज लगातार निंदा कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं, और अब जीतन राम मांझी की आवाज की शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। इसको लेकर जीतन राम मांझी की आवाज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीतन राम मांझी की आवाज के बाद अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इसके बावजूद भी जीतन राम मांझी नहीं संभले। जीतन राम मांझी इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपने बयान पर काबू नहीं कर पाए, अपने बयान पर लगाम नहीं लगा पाए, शब्दों पर लगाम नहीं लगा पाए, और एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर ब्राह्मण समाज के लोग उन पे आक्रोशित हो सकते हैं, उनके इस बयान से नाराज हो सकते हैं। उन्होंने फिर से कहा है कि जो ब्राह्मण मांस मछली का प्रयोग करते हैं, जो ब्राह्मण या फिर यूं कहें नॉनवेज खाते हैं, या जो ब्राह्मण मांसाहारी खाते हैं, उन ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द कहा है जीतन राम मांझी ने। वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती हूं, लेकिन आप सुनिए जरा फिर से जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। चालीसा पढ़ाते हैं श्राद्ध में और ये में, तो ऐसे लोगों से पूजा नहीं कराई आप लोग, यही शब्द हमने कहा था, इसके अलावा और बातें आई थी। इसके बाद प्रतिक्रिया में कुछ ब्राह्मण तबके के लोगों ने कहा कि जीतन मांझी ब्राह्मण को गाली दिया है, तो यहाँ पर ब्राह्मण का नाम नहीं हम जाना है। ब्राह्मण और पुजारी में फ़र्क है, जो ब्राह्मण है अपना ब्रह्म जानते हैं उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है, तो पता नहीं आप लोग भी जानते हैं कितने ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म को जानते हैं। और पुजारी का जहाँ तक सवाल है, तो पुजारी सिर्फ पुजारी ही नहीं, वो दूसरे जात के भी लोग होते हैं। हनुमान मंदिर जो पटना में है वहाँ पुजारी एक दास जी हैं। हमारे नज़दीक में हुलासगंज था जो है संस्कृत कॉलेज है, वहाँ शेड्यूल कास्ट के बच्चे सहित बहुत से लोग पढ़ते हैं,
और वो पढ़ते हैं तो वही श्राद्ध पूजा गांव घर में अगल बगल कराते हैं। हमारे गांव का एक लड़का है, थोड़ा सा ही आँख से अपंग है, वो पूजा कराता है मुसर टोली में जा करके। हमारा रामपुर एक बस्ती है, वहाँ के भावे जी विनोबा जी कहते हैं, वो लोग जा करके पूजा कराते हैं। तो कहने का मतलब, पुजारी की बात हमने कही, अब ऐसा पुजारी की बात कही जो मांस खाता है, शराब पीता है, अन्न कुकर्म में फंसा रहता है और कुछ जानता नहीं है, और हमारे यहाँ पूजा कराता है और वो हमारे यहाँ खाता भी नहीं है, उसको हम लोग नगद देते हैं, तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा। तो हम उनके लिए कहा, अब ये ले उड़े कि हम ब्राह्मण के लिए कहा है, हम ब्राह्मण के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं, ब्राह्मण से मेरा कोई मतलब नहीं था। और यही भावना को ज़्यादा तुल न दें, इसके लिए हमने माफ़ी भी मांगने का काम किया, दो बार माफ़ी मांगने की बात किया। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी जो ब्राह्मण समाज हैं उबल रहे हैं, तो अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी की बात यूज़ किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको एक बार नहीं, हम सैकड़ों बार, हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और उन लोग कोई जीभ काटने की बात करते हैं और कोई है, तो बाकी बात मैं समाज पर छोड़ता हूं कि हमारा समाज इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या करेगा। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जीभ काटने की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में, तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जीभ काटने के लिए कोई किसी को भेजावें तो हम देख लेंगे उसको। तो इस तरह की बात और ये बात सही भी है, हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी जरूर हैं। जो आज सनातन धर्म की बात करते हैं, हम सनातन धर्म को ही मानते हैं। हम इसलिए सनातन धर्म को मानते हैं कि अंबेडकर साहब जब बुद्ध धर्म अपनाया, तो जानते हैं सब, बहुत लोग आप लोग जानते होंगे कि बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि भगवान विष्णु के ब्रह्मा अवतार के रूप में माना जाता है बुद्ध भगवान, तो सनातन धर्म को वो भी माने, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म के बाद ये मनुवादियों ने जात पात ऊंच नीच छुआछूत की बात किया, और यही से ब्राह्मणवाद शुरू होता है। इस ब्राह्मणवाद का हम अंत तक विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। हम अपने समाज को बताएंगे कि ऐसे ढकोसला वाले लोगों से आप संपर्क मत रखिए। और ये 21वीं शताब्दी है, हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, और अभी भी हम वही पुरानी पंखी रहेंगे कि हम पिताजी हमारे बीमार हैं, हमको पैसा नहीं है उनको दवा दारू के लिए, और यदि वो मर जाए तो। सुना आपने, इतना बवाल होने के बाद भी मांझी जी नहीं सुधर रहे हैं, माननीय होकर भी इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं और बाद में सफाई भी देते हैं। क्या फायदा सफाई पेश करने का, क्या फायदा इन सब चीजों का, जाति धर्म की राजनीति से बचने के संदेश देते हैं कई नेता, तो क्या इस तरह की राजनीति अच्छी है? ये सवाल जनता भी पूछ रही है। क्या जनता के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना अच्छा है?